तो फाइनली हम घूम घूम के बाइक में थोड़ा थोड़ा बहुत मालूम हो गया क्योंकि कौन सा रोड किधर जा रहा है, क्या आ रहा नहीं आ रहा, क्योंकि हम लोग अभी तक 7 ईयर हो गया बेंगलोर में, उतना रोड मालूम नहीं था। क्यों बोला, हम लोग BNTC बस में ही घूम रहा था, ओनली स्टॉप वो स्टॉप वो स्टॉप ऐसा करके मालूम था। बट जब से हम लोगों ने बाइक में घूमना शुरू किया तो हमको नॉलेज थोड़ा थोड़ा आने लगा, नहीं ये रोड इधर है वो रोड इधर है। स्टार्टिंग में तो बहुत दिक्कत हो रहा था क्योंकि गूगल मैप के सहारे नहीं जा रहा था, जिधर गूगल मैप लेके जा रहा था उधर ही जा रहा था। तो अभी थोड़ा हमको मालूम हो रहा है क्योंकि घूम रहे हैं हम लोग, घूमने का एक चीज़ मालूम होता है, हाँ ये रोड इधर जाएगा। अभी जैसा हमारे देश का रोड पे जा रहा हो, तो अगर तुम बस में जा रहे हो तो तुम बस में बैठते हो, बाहर तो दिखते नहीं हो, ठीक है, उधर जाना जाके उतर जाना वही सब चीज़ है। तुम खुद ड्राइवर हो, खुद ड्राइविंग कर रहे हो, तो उस टाइम में क्या मालूम होता है, हाँ ये रोड ठीक है, ये तो उधर कैरपोरम जाएगा, ये सिल्क रोड जाएगा, ऐसा हर चीज़ मालूम होता है। तो अगर ऐसा 5 साल हम लोग घूमने हैं इधर, मछली हर एक रोड मालूम हो जाएगा। अभी देखो हम घर से निकला था, अभी तक गूगल मैप लगाया नहीं हो, क्योंकि ऐसा ही चल रहा हूँ, बिंदास चल रहा है, जा भाई तेरे को अर्जेंट है, हमारा जिंदगी बहुत प्यारा है तो हमको इतना अर्जेंट नहीं है, हम धीरे धीरे से जाएगा, कोई दिक्कत का बात नहीं है। और तो हम कौन सा टॉपिक में था, तो कभी भी बाइक लेके घूमो, ट्राई करो, बाइक लेके घूमे थी तो खर्चा थोड़ा ज़्यादा आएगा, कोई बात नहीं। आप अगर क्या करोगे भाई जिंदगी में, अगर जिंदगी में जिंदगी देखो, जिंदगी ऐसा चीज है जो आपको दुख देने में कोई कंडीशन नहीं करता है, जिंदगी करता है या नहीं करता है, जब दुख आएगा आता ही रहेगा। तो हम लोग खुशी में जीने के लिए इतना कंडीशन क्यों करना, आज है कल रहेगा नहीं रहेगा क्या पता है। तो आदमी सोचता है ये वो पैसा जमा करो, ये करो वो करो, ऐसे भी कुछ फायदा नहीं है पैसा जमा करके वो करके, हाँ ठीक है फायदा नहीं है फिर भी फायदा है, बट आप जिंदगी आराम से जीना, आज है तो आज का पल को बिंदास एंजॉय करना। अगर आप जिंदगी को एंजॉय नहीं कर रहे हो तो किस लिए चाहिए भाई। जैसा इधर का आदमी है मोस्टली, तो उनको देखो, एक एक आदमी का आपको 2 करोड़ 3 करोड़ का प्रॉपर्टी है, बट ये लोग फिर भी काम कर रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है वो कर रहा है, ऐसा बोलो कौन करेगा। मेरे पास भाई, मैं तो सच बता रहा हूँ, मेरे पास अगर 2 करोड़ है तो मैं तो काम नहीं करेगा भाई, किधर भी प्लॉट व्लॉट बनाएगा, बिल्डिंग बनाएगा तो रेंट पे दे देगा और जिंदगी का मजा उठाएगा, बट इधर ऐसा नहीं है। 2 करोड़ होंगे 4 करोड़ होने दो, एक एक आदमी का 15-20 करोड़ है, इतना फिर भी ये लोग कंपनी में काम कर रहा है। तो भाई तेरा जो 15 करोड़ है वो किस लिए है, वो तो मीनिंगलेस है, तो 15 करोड़ का मालिक किस लिए है। भाई जाना है जाना, नहीं तो हमको जाने देना भाई, तेरा पीछे हम लोग ऐसा घूमते रहेंगे तो कैसे होता है क्या, नहीं होता है, ठीक है वन वे मानता है, तो तू तो थोड़ा साइड में चलना भाई, हम भी इंसान है भाई। रोड वैसे भी ठीक है, बढ़िया है रोड, बट बेंगलोर में वही एक चीज है, हर चीज ठीक है, वही एक चीज है ट्रैफिक ज्यादा है। आज देखो मंडे है, मोस्टली 80% आदमी अपना गाँव हुआ गया हुआ है, फिर भी ये हालत है, तो क्योंकि छुट्टी है, क्रिसमस का छुट्टी है इसलिए ये हालत है। अपना दोस्त को बोला था मैं छोड़ दूंगा, 200 रुपया दे दे भाई, ठीक है बोला था, एक समोसा ही खिला देना, छोड़ूंगा। ये लौड़े इंडिकेटर जला दिया, तो क्या हो गया। देखो ऐसा हालत में ऐसा लोगों को क्या बोलना है, तुम भाई इंडिकेटर जला दिया तो क्या हो गया भाई, देखना देख कर वो करना ना, इधर इतना बड़ा पेट्रोल का गाड़ी आ रहा है, घुसा दिया मतलब घुसा दिया, जैसा उसका बाप का रोड है घुसा दिया ऐसा है ना। अभी लग जाता तो बोलता पैसा करो, अरे घंटा भी नहीं करेगा लोड़, मारपीट होगा तो मारपीट करेगा,
भरने के लिए तैयार है मार्केट। अरे पापा की परी भाई, इनसे तो दूर ही रहना भाई, इनसे दूर रहना या तो आगे रहना, पीछे कभी भी नहीं रहना क्या पापा की परी के, क्योंकि आके खुद ब्रेक मारेगा, टच वच हो गया तो लौटे बाद में, पीछे से आके मारेगा तो उसका गलती है। हम लोग ठीक है ओके बोल देंगे, बट हम पीछे है, वो ब्रेक मार के आगे लग गया तो हालत खराब है, इसीलिए उनसे दूरी बनाए रहना। आ रहा है देखो पीछे, अरे देखो ये तो पापा का परा है, हम लोग को जाना है इधर से। साला बास वालों का भी कोई वो नहीं है, देखो इधर इतना खड़ा हुआ था, ये कौन सा स्टॉपेज है, ठीक है थोड़ा टाइम के लिए कैमरा को कर। अरे जो रॉयल की गाड़ी है इसके सामने आके मेरा फट के मुंह में आ रहा है, क्योंकि इसका कुछ हो गया तो बचने का नामो निशान नहीं, इसलिए इससे दूरी रहना बेस्ट है। ट्राई करता हूँ इससे दूर जाने के लिए, क्योंकि सामने जो बाइक वाइक वो सब भी है, बस वाले तो जाने ही नहीं देते, वही सबसे बड़ा दिक्कत हो गया है। हमारे सामने जो सबसे मुश्किल चीज़ है वही है, हमको तो लग रहा है हमसे सबसे अच्छा बाहर से है, बाहर से आराम से जा रहा है। दो वो बस 507 है और 500 क्यू है, ये इलेक्ट्रिक है और आगे वाला डीजल है, दोनों ही BMTC कॉम्पिटिशन मार रहा है, अलग कॉम्पिटिशन, एक दूसरे को साइड ही नहीं दे रहा है, देखो ऐसा कॉम्पिटिशन लगा हुआ है। तो अभी इधर घुसे गया तो सालों को देख लेता लास्ट टाइम तुम मेरे को नीचे से लेके गया था, इतना घुमा घुमा के ऑटो वाला पीछे क्यों आ रहा भाई। तो गाइस अभी पहुंच गया हमें कैरप्लम का जो ब्रिज है, इस ब्रिज का ऊपर चल रहा हूँ, फ्लाईओवर, एक्चुअली ब्रिज कहने में कुछ कुछ लोगों को पता नहीं चलेगा, बोले ये अनपढ़ जैसा क्या बोल रहे हैं ब्रिज इधर क्या ब्रिज है, तो बोल देता हूँ भाई फ्लाई ओवर है जैसे तुम लोग को समझ में आए, और इधर क्या बोलूँ मेट्रो मेट्रो स्टेशन, तो मेट्रो में घूमो बाइक में घूमो किधर भी घूमो बजट सेम ही जाता है, इतना डिफरेंसेस नहीं आता है, कि वो तो मेट्रो कॉस्टली है थोड़ा, उतना कॉस्टली नहीं है बट गाड़ी से तो कॉस्टली है, BMTC से कॉस्टली है थोड़ा, और इधर लेक है, लेक में जो पानी है, बट इधर जाने का कोई अलाव वलाव नहीं है, अगर अलाव रहता तो जाके नहाता मैं जरूर। और इनका तो अलग ही नशा है, इतना बड़ा हाईवे में तुम लान कर रहे हो, तुम्हारी अम्मी को प्रणाम करूँ मैं, साले इतना बड़ा रोड में तू गाड़ी लान करोगे, इसको थोड़ देगा तो हालत देख रहे हो, इतना बड़ा इसमें लानिंग चल रहा है। तो गाइस फाइनली पहुंच गया कैपुरम मेट्रो स्टेशन, तो इधर से सीधा स्टार्ट ले लेंगे, स्टार्ट लेने से क्या होगा अपना जो दोस्त है उसको इधर पहुंचने में हो जाएगा इजी, इजीली पहुंच सकता हूँ। तो फाइनली गाइस इतना टाइम तक हमने गूगल मैप का यूज किया ही नहीं, देख रहे हो ऊपर से निकल लेता हूँ, पुलिस जो है वो इशारा दे रहा है,
रुको जरा सबर करे बोल रहे, लेकिन हम तो सबर करेगा नहीं, हम क्यों सबर करेगा, हम नहीं करेगा तो नहीं करेगा, हम नहीं जाएगा नीचे से, हम ऊपर से ही जाएगा। बट मेरे समझ में आज तक एक ही चीज नहीं है, एक्सप्रेस वे में मोटरसाइकिल अलाउ नहीं है क्योंकि एक्सीडेंट हुए बोलता है ज्यादा। बट जो नाइस रोड है वो भी तो एक्सप्रेस वे ही जैसा है, बट उसमें पे करो, तुम पे करके आराम से निकल सकते हो, और वो जो फ्री है इसलिए मोटरसाइकिल अलाउ नहीं है। तो क्यों भाई रूल्स बनाना है, सभी में एक ही जैसा रूल्स बनाओ ना। अगर उसमें भी फ्री के वजह से तुम लोग बोल रहे हो मेरा ये हो, तुमने इतना सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ है, भाई जा तू ही जा, जा भाई तू ही जा, जा जा जिले जिले, तेरा ही जिंदगी है, हम तो कुछ भी नहीं है, जिंदगी तेरा ही है। तो पहले सोच रहा था ये जो कहते हैं ना बहुत छोटा है, बहुत लेने का वो था, जब साला इसको लेने के लिए गया था चेक करने के लिए टेस्ट ड्राइव, बोला होता ही नहीं इसके सामने तो मैं बच्चा हूँ, इतना बड़ा दिखाई देता, बट फोटो में कैसा छोटा दिखाई दे रहा था। हाँ इसका अभी फोटो देखो इतना छोटा दिखाई देता, बट इसको चलाने के लिए कम से कम 7 फुट का आदमी चाहिए, हम जैसे 5.5 आदमी कुछ भी नहीं है, इसके सामने बच्चा है, चला ही नहीं सकते भाई, चला सकते हो बट सिटी में तो हो ही गए नहीं है, तुमको कैसा होगा तुमको, और 500 मीटर में तुमको ब्रेक मारना ये करना होगा ना, खड़ा रहना, तो कैसे होगा भाई, बाहर में है तो ठीक है चला सकते हो। तो फाइनली हम लोग केयर मार्केट में पहुंचने वाला हो, तो बहुत बकचोदी कर लिया, देख रहे हो छुट्टी है बेंगलोर पूरा छुट्टी है, 80-90% आदमी गाँव गया हुआ है, फिर भी ये हालत है, जब पूरा आदमी रिटर्न आता है तो क्या हालत हो रहा होगा, तुम तो ऐसे भी रोड में चला ही नहीं सकते भाई। अभी जो आ गया हम लोग मोस्टली 30 या 40 मिनट्स में इधर तक आया, वही सेम रोड तुमको 1.5 आवर मोस्टली डबल चाहिए, 1 and double चाहिए, क्योंकि इतना फ्री मिलेगा ही नहीं है तुमको, ठीक है कभी भी इतना फ्री नहीं मिलेगा, ये है तो इतना ट्रैफिक है तो ठीक है फ्री है उस हिसाब से, नहीं तो ये पूरा खड़ा होकर के जाना पड़ेगा ऐसा है, ठीक है। तो गाइस वेलकम टू द केयर मार्केट, केयर मार्केट में पहुंच गया फाइनली, और जो सामने है भाई इससे दूरी है ना, देख रहे हो साला लग के लोगो टूट गया था, तो मेरा बाइक सेल करके उसका लोगो लगाने के लिए पैसा देना पड़ेगा, तो थोड़ा दूरी बचा है, सोशल डिस्टेंस बना के रखना अच्छी बात है, अगर उसका लोगो भी टूट गया मेरी वजह से तो मेरा जो बाइक है पूरा सेल करके उसको पैसा दे के जाना पड़ेगा, नहीं भाई मेरे से गलती हो गया तुम तो मेरा बाइक ही ले लो बोल के बाइक ही इसको दे के जाना पड़ेगा, उसमें टच हो गया तो हम नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि हमारा बाइक हाथ से निकल ले, इसलिए उनसे दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग, और इधर जो है पूरा कंबल, अभी ठंडा का वेदर है, जिसको जिसको कंबल चाहिए इधर ले लो, केयर मार्केट में आपको 200-300 रुपये में मिल जाएगा मोस्टली अच्छा अच्छा वाला, और मेरा तो हेलमेट का वाइजर ओपन है तो साउंड लगता है ज़्यादा अच्छा नहीं आएगा मेरे हिसाब से। सिग्नल है, सिग्नल है, सिग्नल है, सिग्नल में फंस गए रे बाबा, चलो यह थोड़ा साइड दे दो यार, और इधर हमारा सर में गिरा देगा तो क्या हालत होगा हमारा, सोचा है कभी, जा सकता हूँ देखा जिंदगी में रिस्क लेने का तभी सफल होने का, नहीं तो सफल नहीं होएगा तुम, लो 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 लो, वो नहीं है। हेलो बाबू, हाँ बाबू, नहीं दोस्त से बात कर रहा था बाबू, किसी से नहीं है, लो 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 लो, मेरा बाबू गुस्सा हो गया भाई, रुक भाई कितना अर्जेंट है तेरे को, इधर एक चीज है ये तो बोलना ही भूल गया, ये जो लोकल बस वाला है उनसे तो कभी भिड़ना ही नहीं है, क्योंकि भाई कुछ भी हो जाए किसी भी हद तक तुमको तो वो साइड देगा ही नहीं,
खुद को समझता है कि वो पायलट बोलता है वो फ्लाइट में बैठा हुआ है, गाड़ी में नहीं है, ठीक है ना। तो हम तो दूर ही रहना चाहेंगे इनसे। और ये क्या हो रहा है? अरे अंकल जी जाइए ना, हमको भी जाने दीजिए ना, शराफत से जाइए, हमको भी जाने दीजिए। क्यों ऐसा करते हैं आपको? ठीक है, टोल रोड स्टार्ट। चलो वेलकम टू द टोल रोड। और टोल रोड स्टार्ट हो गया। ऐसे टोल रोड बहुत दूर है, और इधर से अभी चेन्नई जाएगा तो 317 किलोमीटर, तो कोलार होके जाता है मोस्टली। कोलार 32-236 और कोलार 52 किलोमीटर जाएंगे एक दिन। कोलार में बहुत बड़ा वो जो शिवलिंग का वो है, एक टेंपल है उसमें बहुत बड़ा, तो उसको जाके एक दिन एक्सप्लोर करेंगे। देख रहे हो, ये बोलता है नसीब, इसको बोलता है नसीब, क्योंकि हमने थोड़ा सा भी इंतजार किया ही नहीं है, सीधा आया और ट्रैफिक छूट गया। हम लोग आया, मैं जस्ट सोच रहा था गाइस, जो गाड़ी का ब्रेक लगाएगा मेरा बाइक का, तो इसी टाइम ट्रैफिक छोड़ दिया। तो इसे बोलता है नसीब, नसीब अपना अपना नसीब, कोई भी बदल नहीं सकता है। और क्या बताऊं, दोस्त देख ले, ये दोस्ती तेरे लिए है। आ रहा हूं तेरा आइटम बगरा बगरा बागरा बगरा लेके, तेरा दोस्त कुछ भी करने के लिए तैयार है तेरे लिए, बस आखिरी सांस तक साथ निभाना। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, छोड़ेंगे। और इधर से हॉस्कॉट 11 किलोमीटर, हुडी 5 किलोमीटर, भद्राली उधर ही सामने ही है। उड़ी 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 उड़ी, वाह 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 वाह, क्या मौसम है। इसीलिए तो बेंगलोर भाई, बेंगलोर इसे कहता है, इसीलिए बेंगलोर मस्त है। क्या मस्त नजारा है, मस्त वेदर है भाई। हमारा तो ट्रैफिक ग्रीन है, बट सभी लोग खड़ा क्यों है वही तो समझ नहीं आ रहा हमारे को, खड़ा क्यों है आदमी लोग। हमारा रेड सिग्नल नहीं है फिर भी आदमी लोग खड़ा है, ग्रीन है फिर भी हाईवे में खड़ा है। आज हमको उतना सिग्नल नहीं मिल रहा है गाइस, तो इस बात पे एक लाइक ठोक दो वीडियो को। सिग्नल नहीं मिला, बहुत टाइम हो गया सिग्नल मिला ही नहीं है। मिला मतलब सिग्नल में खड़ा होने का चांस ही नहीं दिया, क्योंकि हम आ रहा था सिग्नल तक पहुंच रहा था तो सिग्नल खुल गया। ऐसा है आज, 3-4 सिग्नल, बड़ा बड़ा जो सिग्नल है 3-4 में ऐसा हुआ है, आया जस्ट रुकना उसी टाइम सिग्नल छोड़ दिया। तो अभी कौन से हाईवे में बोले आए, कॉलर मेडा हल्ली कोलार 50 किलोमीटर, तो कोलार तो अभी जाने का कोई इरादा नहीं है, इसका ऊपर जाना पड़ेगा नीचे से जाना पड़ेगा। गोंडा नीचे से क्या रहा, नीचे से मालूम नहीं, गांडू साला क्या बोलता है मालूम नहीं तेरे भाई, क्या हाथ जोड़ के ऐसा क्यों दिख रहा है भाई। हाईवे नहीं भूल गया, अरे भूल गया, आगे भी वो था रे, बेकार में आया नीचे से, अभी बार बार ब्रेक मार मार के जाना पड़ेगा। थे तो कोई बात नहीं गाइस, आगे भी था, लास्ट टाइम हम लोग वही गलती किया, फिर से वही गलती दोहरा दे। इंसान अपना गलती से सीखता है, हम लोग बार बार एक ही गलती करता रहता है। क्योंकि लास्ट टाइम भी हम लोग इधर आ गए, हाईवे छोड़ दिया था, सर्विस रोड ले लिया था, अभी भी वही सेम स्टोरी फिर से दोहरा दिया। इंसान क्या है अपना गलती से सीखता है, और हम लोग बार बार वही गलती रिपीट करता है। हमको आदत है भाई एक ही गलती बार बार रिपीट करने का। तो वो सभी छोड़ो, मेन मुद्दे में आते हैं। मुद्दा ये है हम लोग जा किधर रहे हैं, अभी जाके टाइम कितना हुआ मेनली देखना पड़ेगा। टाइम तो मेरे बाइक में कितना दिखा रहा है, 12:41 हो गया। ऊपर से जा सकता था, हम लोग क्यों नीचे आया, एकदम बेकार आया, ट्रैफिक में फंसने के लिए आया।
दिल का दरिया। जस्ट गियर चेंज किया, देखो जस्ट गियर चेंज किया, सामने गाड़ी आया, फिर स्लो किया, फिर गियर चेंज किया, कैसे भी इसका आगे जाना पड़ेगा क्योंकि वो ठक करके लग गया था। एकदम से रिस्क नहीं लेने का रे बाबा, ऊपर से जा सकता था, इतना ब्रेक पैक लगा लगा के आ रहा हूँ क्योंकि मैं ग्राउंड हूँ एक नंबर का, आराम से ऊपर से ही जा सकता था, कम से कम 10 किलोमीटर बिंदास होकर जा सकता था। ले लिया सर्विस रोड, सर्विस रोड भी दूर के रख ट्रैफिक रहता है, सर्विस रोड उधर से जाता तो बिंदास चला जाता, कोई टेंशन नहीं है। और इधर तो पूरा बेंगलोर का वो है, देखा ये बंदा रॉन्ग साइड में 50-60 स्पीड में गाड़ी आ रहा है रॉन्ग वे में, क्योंकि उसका वो साइड है ही नहीं, और अंदर जो पापा की परी बैठा हुआ है वो हंस रहा है, वीडियो बना रहा हंस रहा है, किस दिन किसने मार देगा बाद में मालूम होगा, पापा की परी वीडियो बना गया भाई। तुम पहला बात तो ये है, तुम रॉन्ग हो तो क्यों चलोगे भाई, इतना बड़ा हाईवे है, उधर भी सर्विस रोड है, इस साइड में भी सर्विस रोड है, तो तुमको रॉन्ग हो तो चलने का तो कोई जरूरत है ही नहीं है? अगर तुम्हारा घर आसपास है तो ठीक है, तुम 60-70 स्पीड में चल रहे हो रॉन्ग हो तो मतलब तुम्हारा घर आसपास नहीं है। तो गाइस फाइनली पहुंच गए हम लोग ग्रैंडवेल नॉर्थ एंड, और इधर अपार्टमेंट है, और इधर हमारा ब्रांडू है, और इधर हमारा बसंती है, हम है, और इधर करते हैं वीडियो को खत्म। देखो गाली और इधर गाइस बहुत हो गया बकचोदी, चलो ब्लॉगिंग को खत्म करते हैं। इधर ही इधर मतलब इधर ही पहुंच गया अपना दोस्त के पास, और क्या हुआ वीडियो कॉल करो बोल रहे हम दोस्त। तो गाइस वीडियो को अच्छा लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, नॉर्थ इंडियन लाइफ इन साउथ इंडियन स्टाइल में हम लोग दिखाता रहता है, कोशिश करते रहते हैं। क्या हो गया क्या हुआ, बहुत चीज दिखाता रहता है, दिखाएंगे एक्सप्लोर करेंगे हर एक जगह। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं और एक नए दिन नए सुबह नए शुरुआत के साथ। तब तक के लिए इधर देखो तुम्हारा भाई पेट्रोल बचा रहा है, देखो खींच के बाइक के इधर ला रहा हूँ, और बहुत ही बड़ा चले कोई बात नहीं गाइस, तो उसके लिए इतना तो करना बनता है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।